देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नीलू सिंह, मंडल अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा, महाराजगंज जनपद रायबरेली। राम नरेश रावत, भाजपा विधायक, बुछरावा जिला रायबरेली की ओर से रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव के तुरंत बाद चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें और चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं की, इनमें शिथिलता आ जाती है। चाहे वह जीती हुई ही पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता क्यों ना हो, चुनाव की थकान सभी को होती है। लेकिन 2019 चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटों से विजयश्री हासिल कर उत्साह से लबरेज बीजेपी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के गढ़ को ढहाने की शुरुआत कर दी है, जिसका जीता जागता सबूत सोमवार को शिवगढ़ की ग्रामसभा पिपरी में देखने को मिला, जहां कांग्रेस पार्टी के 50 सेकंड अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को बीच मझधार में छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शिवगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरी के भवनपुर गांव में वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर तिवारी के आवास पर भाजपा का विशाल सदस्यता समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिव मोहन सिंह, राजू शुक्ला, विजय सिंह, रमेश कुमार त्रिवेदी, घनश्याम, विश्राम दास, शिव बहादुर, काशी प्रसाद, रामचरण सहित लगभग 50 कांग्रेसियों एवं 500 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुरेश तिवारी, विशिष्ट अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी सुधीर हलवासिया व वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर तिवारी के आवास पर एक विशाल सदस्यता समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा का हम सभी पर कर्ज है, जिसने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए सब कुछ किया। हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामदेव पाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक धारा 370 हटाने की किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी, किंतु भाजपा की सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाकर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। सुधीर साहू, युवा सपा नेता, महाराजगंज जिला रायबरेली। रामलाल अकेला, पूर्व सपा विधायक, बछरावा जिला रायबरेली की ओर से रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश जी है, मैं तो आप ही का हूँ। माननीय हलवासिया जी प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के राय प्रभारी भी हैं, और उन्होंने कहा अध्यक्ष क्षेत्रीय, अध्यक्ष मुख्य अतिथि है, प्रभारी होने के नाते दायित्व का निर्वहन किया, इसलिए आपका आग्रह करता हूँ। और हमारे क्षेत्रीय सम्मानित अध्यक्ष कई बार विधायक रहे लखनऊ से, और इस समय क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है जब आप आ जाते हैं कोई गार्जियन आ गया है, ऐसे माननीय सुरेश तिवारी जी, शशि भदौरिया जी, आदरणीय जय नारायण शुक्ला जी, जिले के सीनियर नेता, पदाधिकारियों, आज का अभियान नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए के द्वारा किया गया अभियान सदस्यता अभियान है। हम सब अपेक्षा करते हैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में हम अपनी सदस्यता लेकर के
भारतीय संस्कृति के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और भारत माता के प्रति अपना आभार होगा। हम सबसे अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम करें। धारा 370 जो कि भारत पर एक कलंक की तरह था। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम सदस्यता अभियान के लिए है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उस एक बड़े राजनीतिक दल में प्रवेश करें जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इससे बड़ा राजनीतिक दल आज की तारीख में दुनिया में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और क्यों हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, वो छोटी सी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की थी जब हमारा देश गुलाम था। उदय से अस्त तक अंग्रेजों का राज था, उनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसे हमारे भारत के नौजवानों ने उनके राज को उखाड़ कर फेंकने का काम किया और बलिदान दिया था, उसमें आप सबका सहयोग रहा था। 19वीं शताब्दी अंग्रेजों की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी और अब 21वीं शताब्दी भारत की होगी जब उस पार्टी के आप सदस्य बनेंगे, अपना योगदान देंगे, अपना पूरा सहयोग करेंगे। अब अखंड भारत की परिकल्पना जो भारत का नक्शा था, धारा 370 और 35 ए हटा करके नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उन्होंने कहा था ये 56 इंच का सीना है। 56 इंच के सीने ने ये सिद्ध कर दिया कि हम भारत के शुद्ध रूप से नागरिक हैं और भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। वो सारे का सारा 370 धारा हटाकर 5 अगस्त के दिन पूर्ण करने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और सारे नेताओं ने मिलकर के ये साहस दिखाया। आज की तारीख में हम इतनी ही बात कहकर के आप सबका अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं अपने लखनऊ से आए दोनों महानुभावों का, दोनों अपने नेताओं का। उन्होंने इस तपती धूप में भी हम कार्यकर्ताओं के साथ में पूरा समय दिया है। मेरा आग्रह है कि अपना मोबाइल निकाल लें। मोबाइल जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपना मोबाइल निकाल रहे, मोबाइल में नंबर आप डायल करें 89। सब लोग अपना अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनके साथ में इस जिले के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सुधीर हलवासिया जी जो अपना समय इस सदस्यता के लिए 10-12 दिन का लगातार दे रहे हैं और अभी हमको लगता है यहाँ के बाद 2-3 जगह रायबरेली में आपको जाना भी है, ऐसी मुझे जानकारी है। मैं उनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं और मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं पूर्व विधान परिषद सदस्य आदरणीय राजा राकेश प्रताप सिंह का कि जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं और इतने सरल स्वभाव है कि उनके कार्यकर्ता कभी भी अपनी बात को कह सकता है। साहू जी, जय नारायण शुक्ला जी, इस विधानसभा के प्रभारी आदरणीय प्रेम मिश्रा देश में सदस्यता करेंगे, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम आपके ग्राम सभा में आयोजित किया गया है। जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया कि धारा 370 अभी तक किसी की हटाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री व गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दोबारा जब सत्ता बनी तो 2 महीने के अंदर पाकिस्तान कश्मीर से धारा 370 हटाने का साहित्यिक निर्णय किया और ये धारा हटाई गई। इससे जुड़े माताएं बहनें जुड़े, क्योंकि विकास के काम में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो आप लोगों के विषय में चिंतन करती रहती है। अभी किसान सम्मान निधि 2,000 रूपए आप लोगों के खाते में सीधे आए, चाहे उज्ज्वला गैस सर्विस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पूर्ण ईमानदारी के साथ गरीबों का हक उनके पक्ष में करा के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का टोल फ्री नंबर है अभी माननीय अतिथि जी आपके सामने रखेंगे, सभी लोग अपने मोबाइल से सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके बाद भी
आप वो नंबर नोट करके अपने यार मित्रों परिवार को भी सदस्य बना सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए भारत माता की, भारत माता की। दो मुख्य अतिथि हैं, तो ये इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताने आया साथियों कि मैं एक साल से अधिक हो गया आप लोग की सेवा में यहाँ पे लगा हूँ। यथासंभव जो भी मेरे लायक काम होगा मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जनता के दुख सुख में काम आ सकूं। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक बात इस मन से कहना चाहता हूं कि अतिथि नहीं सुधीर, अतिथि नहीं सुधीर आपका अपना है, और रायबरेली में हो भाजपा विजयी बस यही सपना है, बस यही सपना है, बस यही सपना है। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया सदस्यता की इंपॉर्टेंस, विधायक जी ने भी बताई, उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले बार जब चुनाव हुआ 2014 में और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी, तो आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय राजनाथ सिंह जी। लेकिन उसके बाद जब सरकार का गठन हुआ तो उनको गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई साथियों, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से छोड़ दिया। उसके बाद श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2014 में। इन सूची को बना के आप क्या करोगे? इन सीटों पे कभी वोट भाजपा को नहीं मिला, जनसंघ को नहीं मिला, ये सीट हम लोग कभी नहीं जीते, जीत भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इन 100 सीटों पे काम करूंगा। पार्टी उससे जीत गई, और उस 100 सीटों में जो हम 76 सीटें जीते उसमें एक सीट है अमेठी, एक सीट उसमें से अमेठी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो हम हार गए तो जीत नहीं सकते, हम नहीं जीत पाए तो असंभव है, असंभव कुछ नहीं होता। तो आज वही टारगेट लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे महामंत्री हैं, और चाहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी यहां विराजमान हैं। क्योंकि अवध क्षेत्र की 16 सीटों में अब के चुनाव में हम लोग 13 जीते सर, 13 सीटें हम लोग जीते, और 3 सीटें हम लोग बहुत अच्छे वोट पाए, पहले की बजाय ज्यादा वोट पाए। लेकिन कहीं ना कहीं रेस जीतते जीतते विपक्षी से एक कदम कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, कमजोर पड़ गए। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर क्यों ना हम इन सीटों पर मेहनत करें, और जो हमारी कहीं कमजोरी रह गई तो उस कमजोरी को हम दूर करें। तो आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद अधिकतर राजनीतिक दल शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि अब तो अगला चुनाव बहुत दूर है, फिर जो होगा देखा जाएगा, चुनाव के आसपास मेहनत करेंगे, अभी क्या करना, अभी मौज करो। लेकिन अभी चुनाव खत्म हुए साथियों 2 महीना हुआ है, और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सेना है सारे के सारे सिपाही किसी न किसी अभियान में लग गए। तो एक अभियान हमें यह दिया गया कि हर बूथ पे जो कमजोर सीटें हैं, जो कमजोर बूथ हैं, जो हम बूथ नहीं जीत पाए, उनके हमें सदस्यता पे विशेष ध्यान देना, पहली बात। और दूसरी बात, साथ साथ एक टारगेट हमें और दिया गया कि हर बूथ पे हमें 5 वृक्ष लगाने हैं। प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 22 करोड़ आबादी के नाते उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। और इतना ही नहीं, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया उन्होंने, करीब शायद 9 या 10 करोड़ 11 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश में लगाए गए। क्योंकि साथियों आप जा रहे हैं, वर्षा ऋतु चल रही है, ऐसे में जो वृक्ष लगाया जाएगा उसके जीवित रहने की प्रबल संभावना है। जो वृक्ष हम लगाएं उसको हम जीवित भी रखें, उसको हम किसी न किसी अपने परिवार के व्यक्ति के नाम से लगाएं, ताकि जैसा स्नेह हमारा परिवार के व्यक्ति से होता है ऐसा ही स्नेह हमारा उस वृक्ष से हो जाए, हम उसकी चिंता करें उसमें जल दिया कि नहीं दिया। तो इसी प्रकार की सोच हमारा नेतृत्व लेके आया है। बाकी बातें अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। आप लोग सब यहाँ आए भारी संख्या में, गर्मी में आपने हम लोगों की बहुत देर प्रतीक्षा की, मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। मैं आप लोग को प्रणाम करता हूं, बार बार पुनः धन्यवाद करता हूं, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगा दीजिए साथियों, भारत माता की जय। भारत माता की जय होगी तो हमारी भी जय होगी, आपकी सबकी जय होगी। और भारत माता की जय का मतलब खाली कह देना नहीं है। 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने भारत माता की जय का जो मंत्र दिया था, उस मंत्र में ये कहा था
अखंड भारत शांति समृद्धि आवे, इसलिए भारत माता की जय का नारा दिया था। तो मित्रों, मैं भारत माता की जय का नारा लगाऊंगा, सभी भाई बहन जय भी बोलेंगे और अपने मुख से आवाज भी जय का निकालेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ग्राम सभा के प्रधान आदरणीय तिवारी जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी रायबरेली जनपद के अध्यक्ष आदरणीय रामदेव पाल जी बैठक में पधारे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और रायबरेली जनपद के प्रभारी, जो लगातार रायबरेली में सदस्यता अभियान तीव्र गति से चले, अभियान में जुटे, जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 5 तारीख को कश्मीर से धारा 370 समाप्त की। धारा 370 को कश्मीर में धारा 370 लगी थी, जिसके कारण कश्मीर में शिक्षा का अधिकार नहीं था। पूरे देश में बालक और बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार है, सभी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और उनको पढ़ाने के लिए सब व्यवस्थाएं की गई हैं। विद्यालय के अंदर बच्चों को भोजन दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, उनको जूता मोजा दिया जाता है, स्वेटर दिया जाता है कि बच्चा स्कूल में पढ़े, शिक्षित बने और आम समाज के बराबर खड़ा हो सके। कश्म को, अनुसूचित जाति को कोई अधिकार नहीं था, जैसे अपने यहां पूरे देश में हर प्रदेश में आरक्षण है, जिसके तहत एक अलग व्यवस्था है। अनुसूचित समाज के लिए उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्यवस्था की थी संविधान। आपको स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शैलेंद्र साहू उर्फ राहुल, समाज सेवी, राम नारायणपुर मजरे मऊ, महाराजगंज जनपद रायपुर। क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। साथ में अब हम यही ईश्वर से कामना करते हैं, माननीय सुरेश तिवारी जी जितने मजबूत होंगे, जितने ताकतवर होंगे, उतनी ताकत हम लोगों को मिलेगी। तो भविष्य के लिए हमारी गए तो उनके बगल में बैठेंगे, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और जिले के प्रभारी हैं, वो बहुत ही प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, हमारे बहुत पुराने भाई के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सरल भाई पाल जी, महामंत्री जिनको हम प्यार से गब्बर बोलते हैं, वैसे नाम इनका दिनेश त्रिपाठी है, ये डलमऊ के रहने वाले हैं और जब से ये सभासद थे तब से इनका हमारा परिचय है। तो बड़ी तिरछी निगाह में अपने क्षेत्रीय विधायक जी देख रहे हैं और बड़े जोश के साथ से, बड़े खरोश के साथ से, और ये बात तो सही है, हर वो व्यक्ति जो तरक्की शक्तिशाली होता है उसके पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो उनकी धर्मपत्नी जी सुभाष है, उनका हम स्वागत करते हैं। हम समझ गए थे राम नरेश जी का इशारा कि भैया ऐसा है, चाय पानी पीना को देख रहे हो, यहाँ का सामंजस्य, महिलाओं का भी सामंजस्य देख रहे हो। तो उसके आगे हमारे पूर्व विधायक जी राजा राम त्यागी जी, जो 2 दफे आपकी सेवा कर चुके हैं, दिलीप यादव जी जो हमेशा बड़े मधुर रहे हैं और हमेशा हम लोगों को जब संगठन के अध्यक्ष थे तो साथ लेके चलते थे, मुंह घुमाए बैठे हुए हैं सरदार फतेह सिंह साहब,
पता नहीं इस तरह रुक क्यों नहीं कर रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं। हमारे मारुति मिश्रा जी हैं, पंकज जी हैं, सत्येन सिंह जी हैं, सारे लोग अपने हैं, किसका नाम लें, मगर फिर भी जैसे हमारे अवस्थी जी हैं, हमारे शरद जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, प्रेम मिश्रा जी हैं जो यहाँ के संयोजक हैं विधानसभा के और राही क्षेत्र के रहने वाले हैं, साहू जी जो खुद सदस्य हैं और अपने पति के प्रतिनिधि हैं नगर पंचायत महाराजगंज के, हमारे प्रधान लोग बैठे हैं जय नारायण शुक्ला जी जो काला चश्मा लगा के बैठे के, हमारे तमाम सम्मानित माताएं बहने साथियों, देखिए विषय बहुत क्लियर है, एक आवश्यकता है। यहाँ पे वक्ताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि समय की मांग है कि हम लोग के पर एक कर्जा है। अच्छा, काफी चुनाव में पीछे रह गए हैं माननीय विधायक जी, रिजल्ट देने में, तो अब मौका है कि सदस्यता के माध्यम से वो हम लोग अपने गांव पूरे करें और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग सदस्य बनाए। तो जो हार का एक हम लोगों के पर वो दिया जाता है थाना, किस हाथ की हार गए, रायबड़ी वाले हाथ पे, शिवगढ़ वाले हाथ पे, शिवगढ़ वाले आंधे में बहुत तेज है, तो भाई कम से कम इसकी बहाने हम लोग अपने कुछ आप हो, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाले समय को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए, अपने पर एक जो कर्जा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए सब कुछ किया, तो हमारा ये दायित्व बनता भैया, आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में सदस्य बने और शिवगढ़ क्षेत्र का नाम नंबर वन करें। दूसरी बात जी के साथ सामने आके यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करें, ठीक है, विषय पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छे बात, धन्यवाद। चार बार 8080 लिखो, 8080 8080 8080, कुल 10 नंबर मिलाओ, पहले 89 फिर 8080 8080 8080 चार बार 80 80। संजय जी आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में, आपका स्वागत। कांग्रेस छोड़ करके आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, आप लोगों का पार्टी में स्वागत है। आइए, शुभ नाम क्या? शिव मोहन सिंह। ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्षेत्रीय, आपने और कोई आओ, संजय जी आ जाओ।